नमस्कार किसान भाइयों, आज अपन गांव जमार गांव में आए हुए हैं और ये हमारी मक्का लगी थी प्रभु सीड की। समर्थ भैया से पूछते हैं थोड़ा सा, आज ये मक्का काट रहे थे, मंडी ले जा रहे थे, तो इनसे पूछते हैं भैया से रेट मेट और सारी चीज़ों के बारे में। भैया अपना नाम वगैरह बताइए थोड़ा सा। मेरा नाम दीपक किरार है, ग्राम जमाहट जिला ग्वालियर। मैंने प्रभु सीड की मक्का लगाई थी, लगभग इसको 3 महीने हो चुके हैं। बढ़िया मक्का की खेती हुई है। थोड़ा पहले रोग आ गया था उसमें, इल्ली का, तो उसमें इल्ली की दवाई डाल दी थी और बढ़िया मक्का हुई है। हाँ, अच्छी भुट्टा है ना जी? भुट्टा बढ़िया है सीडी। अच्छा भुट्टा है। थोड़ा सा ये बताओ, इसमें आपको कहीं कुछ दिख तो नहीं रहा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, भुट्टे की लंबाई वगैरह सब कुछ बढ़िया है? बढ़िया पौधा भी अच्छा बना? पौधा, पेड़ पेड़ बढ़िया था। पेड़ बढ़िया है। और खेत वगैरह कैसा था? खेत थोड़ी, खेत में कमी है, वैसे पेड़ में कोई कमी नहीं है, दिक्कत नहीं हुई। कमजोर मतलब खेत में हुई थी। और नहीं तो इससे भी और अच्छी होती। ये प्रभु सीड की समर्थ मक्का है, अच्छी मक्का है, और हम लोग देखने आए हुए थे। ये अपना समर्थ का भुट्टा है, भैया तोड़ रहे थे, मंडी ले जा रहे थे, तो हम आए थे देखने के लिए, भैया ने बुलाया था। और अच्छी मक्का है। हमारे साथ में हमारे डीलर भी हैं, प्रगति बीज भंडार से पान सिंह नरबरिया जी। प्रभु सीड की समर्थ मक्का लगी हुई है ये वाली, भैया और दीपक भाई साहब ने लगाई है। जमारा गांव में बढ़िया भुट्टा निकला है, एक नंबर। और कंपनी के ये सेल्स ऑफिसर अजय धाकड़ जी हमारे साथ है, मतलब बढ़िया, ठीक है ना, मस्त भुट्टा है, एक नंबर। ग्यारह भुट्टा अच्छा है। क्यों भैया, मंडी रेट क्या मिल रहा है इसका भी? बारह, मतलब 11 रुपए 11-12 किलो, रुपए बारह किलो मिल रुपए रहा है किलो अभी। हाँ ठीक है चलो अभी तो, बढ़िया है, 11-12 कच्चे रुपए भुट्टे के किलो। दी 12 रुपए किलो किसान मिल रहा भाई है। ये प्रभु बढ़िया है। समर्थ मक्का है और अच्छी मक्का है। खेत थोड़ा हल्का था, इसके बाद भी किसान ने थोड़ा सा बीडीसाइड का उपयोग नहीं किया है। इतना घास खड़ा होते हुए थोड़ा भी, घास फिर खड़ा हुआ है उसमें। भी अच्छी मक्का है। इतना घास खड़ा है फिर भी अच्छी है, खेत में इतनी दम नहीं है। मक्का अच्छा है हमारा, प्रभु सीड का ये समर्थ मक्का है, बढ़िया भुट्टा निकला हुआ है। अभी ये पकने पर जो इसका छिलका है पतला हो जाएगा और अच्छा मक्का लगा हुआ है। किसान नाम से मांग रहा है इसको भी। धन्यवाद।